आप सबको जय मसीह, नमस्कार। सच में परमेश्वर ने हम लोग को भला चंगा रखा है। हम लोग लगातार ऑनलाइन संगति में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गलातियों का पुस्तक दूसरा अध्याय में आप लोगों को लेके चलेंगे। गलातियों का पुस्तक दूसरा अध्याय 14-21 तक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते हैं, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप भी पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है 14 पद में, जन्म ही से व्यवस्था का जानकार हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं इस विषयों को रखने चाह रहा हूँ, यीशु मसीह में हमें स्वतंत्रता, या यीशु मसीह में स्वतंत्रता। मेरे प्रियो, क्या क्यों यहाँ परमेश्वर का दास पावल ये बातों को कह रहा है? क्या पहला हम लोग बंधन में थे? हाँ जी, यही कारण था आज पौल को बोलना पड़ा कि मसीह में आप और मैं स्वतंत्रता हूं। क्योंकि 14 पद में यहां बोलता पौल, मैं तो जन्म ही से व्यवस्था का जानकार हूं। लेकिन 16 पद यहां बोलता कि 14 पद में जो पौल कहता है कि जन्म से ही मैं व्यवस्था का जानकार हूं, लेकिन 16 पद में बोलता व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरता है। व्यवस्था से हम लोग धर्मी नहीं ठहरते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरते हैं बोलता। और सर्वप्रथम व्यवस्था क्या है, हमने पहले बता दिए थे। व्यवस्था वो नियम है जिसमें परमेश्वर चाहता कि हम लोग चलें। व्यवस्था उस जगह है जहाँ 10 आज्ञा दी थी। व्यवस्था वो है जिस पर हम लोगों को चलना है, बोल के यीशु आने का आगे दिया गया नियम है। लेकिन यहाँ पौल बोलता नए नियम में आके यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम लोग धर्मी ठहरते हैं, ना कि व्यवस्था में। लेकिन 17 पद क्या बोलता है, सुने, हम पढ़ रहे हैं 17वां पद हम पढ़ रहे हैं। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। मेरे प्रियो, यदि हम पापी ही हैं बने रहें तो यीशु पाप का सेवक तो नहीं, क्योंकि यीशु को आप और मैंने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए हैं। यदि हम पाप अभी पाप में बने रहे तो यीशु मसीह किसका सेवक है, पाप का कि धर्म का? यह बोलता क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए पाप बने, परमेश्वर का वचन बताता। लेकिन दूसरा क्रंथी 5:21 में बोलता यीशु मसीह आप पर मेरे कारण, आप पर मेरा पाप का खातिर, आप पर मुझे बचाने के लिए, वो पापी नहीं थे लेकिन पापियों के खातिर वो पाप बने। लेकिन यहां तक बोलता यीशु मसीह श्राप बने आप पर मुझे, गलाती का पुस्तक 17 पद में बता रहे 2 अध्याय का, इसीलिए ताकि आप और हम पाप का बंधन से छूट सकें। हालेलुया। मुख्य यीशु मसीह श्राप बनने के कारण यही है कि आप पर मुझे पाप और वह श्राप, पाप नहीं, श्राप का बंधन से छुड़ा सके।
जब यीशु आए नहीं थे तब तक व्यवस्था कायम था, व्यवस्था के अनुसार सारा चीज होता था। लेकिन 18 पद में क्या बोलता है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसे मैं कैसे, इसका मतलब व्यवस्था यीशु में पूरा हुआ है मेरे प्रियो। व्यवस्था जो दिया गया था, व्यवस्था का मानने का नियम बताया था, वो यीशु मसीह पूरा हुआ। लेकिन 19 पद यह प्रश्न बताया, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। हालेलुया। व्यवस्था यीशु में पूरा हुआ हम लोग जाने, तो व्यवस्था के अनुसार हमारा मृत्यु हुआ है, व्यवस्था के अनुसार हम मर चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह में जी सके। यही 20 पद फिर प्रश्न बताता कि 20 पद में क्या बोलता, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्रियो, यह 20 पद प्रश्न बताता मसीह यीशु के साथ हम क्रूस पर मर गए हैं, लेकिन अब आप और मैं जीवित नहीं रहे लेकिन हम में मसीह जीवित है। हालेलुया। क्या आप यह बोल सकते हैं मसीह मुझ में है? अभी जो शरीर में जीवित है ना, उस विश्वास से जो यीशु मसीह पर मैंने और आपने किए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप और मैं धर्मी बन चुके हैं या जीवित रहे। जिसने हमें प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, योना 3:16 में आप सुन चुके हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से प्रेम इसलिए किया क्योंकि वो आप और मुझे प्रेम करता है और वो आप और मुझे छुड़ाने चाहता है वो श्राप का बंधन से, व्यवस्था का वो कठिनाई से और पाप का वो चीजों से। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है गलाती 3:10 में ऐसा बोलता कि यहां बोलता, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के काम पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यवस्था का मानने से या व्यवस्था में भरोसा करने वाले सभी श्राप के अधीन में हैं बोलता। क्यों? क्योंकि हम व्यवस्था का सारी बातों को पालन कर नहीं सकते मेरे प्रियो, इवन 10 आज्ञा हम लोग पालन नहीं करते हैं तब तो हम लोग श्रापित होते हैं। इसीलिए इस पर विश्वास करने से सारी श्राप से हम छुटकारा पाते हैं। लेकिन बाइबल यह भी बताता है कि विश्वास बिना कार्य मृत्यु समान है। मेरे प्रियो, यदि इस पर हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के कार्य को भी करना चाहिए। 11:3 बताता व्यवस्था द्वारा नहीं लेकिन धर्मी तो विश्वास द्वारा जीता है बोलता है। आप और मैं जीने का विश्वास के द्वारा जीते हैं और वह विश्वास का कार्य को आप और मुझे करना होगा। 12 पद यहां बोलता है, 3:12 ऐसा बोलता, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा बोलता। मानने वाला तो जीवित रहेगा, विश्वास और व्यवस्था का कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन मसीह श्राप बना ताकि आप और हम व्यवस्था का श्राप से छुटकारा पा सके। अभी हम मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं, हमें व्यवस्था का अनुसार कोई धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं जो संसार करता है। लेकिन हमें यीशु पर विश्वास करना है, उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारना होगा। यीशु ही हमारे जीवन का मालिक और स्वामी है, इसलिए हम यीशु प्रभु में स्वतंत्र हैं। मेरे प्रियो, काची से स्वतंत्र, पाप से स्वतंत्र, काची से स्वतंत्र, व्यवस्था का श्राप से स्वतंत्र, काची से स्वतंत्र, हर एक चीजों से स्वतंत्र हैं। लेकिन एक कार्य, खाली यीशु मसीह विश्वास करना ही नहीं, विश्वास के अनुसार कार्य को भी करना होगा। विश्वास का कार्य आप जानते हैं मेरे प्रियो, यदि आप सच्चाई में मसीह हैं, यदि आप सच्चाई में यीशु प्रभु को जानते हैं, तब तो विश्वास का कार्य को भी आप जानते हैं। आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह में, तब तो आप जानते हैं विश्वास के द्वारा सारा चीज संभव हुआ। हम लोग देखते हैं बाइबल बताती है ना, यीशु प्रभु ने कहा उस 12 साल तक लहू बहने वाली औरत को, यहां डायरेक्ट यीशु के पास आई नहीं, बहुत सारी जगह में गई होगी, वैद्य को दिखाई होगी, लेकिन चंगाई नहीं थी। लेकिन उसका ऊपर में एक विश्वास था, यदि मैं यीशु का कपड़े को
छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी, पहला उसका यह विश्वास था। तब तो वो विश्वास को कार्य में परिणत की, जैसे उसने छुई यीशु का छोर, कपड़ा का छोर को, तब वो चंगे हो गई। और प्रभु बोलते हैं, बेटी तेरा विश्वास है तुझे चंगा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी आवश्यकता में हैं, आप भी बीमार में, परिस्थिति आपका डामाडोल हुआ है, आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको लगता है यीशु प्रभु को मैं छू लूंगी, या यीशु प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी, या यीशु प्रभु को मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं मेरा हर एक समस्या का दूर हो जाएगा, मेरा हर एक परिस्थिति से मैं स्वतंत्र बन जाऊंगा, यदि ऐसा आपको लगता है ना, मेरे प्रियो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे, प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी जीवन बने रहे। यीशु ने आपको बुलाया स्वतंत्र होने के लिए, अभी फिर से वो बंधन में मत जाइए। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसके अनुसार कार्य कीजिए, आपको प्रभु आशीष दे, आपको स्वतंत्र यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने किया है। आमेन। प्रभु आपको अनुग्रह।